हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही, इंटरनेशनल मार्केटिंग की हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। अगर हमें इंटरनेशनलाइजेशन करना है तो हमें उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे? तो देखिए, इसमें बेसिकली पांच स्टेप होते हैं। पहला है डोमेस्टिक ऑपरेशन, नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ऑपरेशन, थर्ड है सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर, नेक्स्ट है मल्टीनेशनल ऑपरेशन और लास्ट हमारा स्टेप है वो है ट्रांजेशनल ऑपरेशन। इसको मैं आइए आपको डिटेल में बता देती हूँ हर एक स्टेप को। तो देखिए, जो पहला स्टेप है वो है आपका डोमेस्टिक ऑपरेशन। डोमेस्टिक ऑपरेशंस मतलब द फर्म मार्केट इज़ एक्सक्लूसिवली डोमेस्टिक। जो फर्म का मार्केट होता है वो क्या होता है? डोमेस्टिक होता है, मतलब वो अपने ही एरिया में बिजनेस करते हैं। मोस्ट इंटरनेशनल कंपनीज हैव देयर ओरिजिन एज डोमेस्टिक कंपनीज। दिस कंपनीज फोकस ऑन डोमेस्टिक ऑपरेशन ओनली। बहुत सारी जो इंटरनेशनल कंपनीज होते हैं उनका जो ओरिजिन होता है मतलब डोमेस्टिक कंपनी से ही होता है, और इसलिए वो ज़्यादातर क्या फोकस करते हैं? केवल डोमेस्टिक ऑपरेशन पे ही फोकस करते हैं। इसका जैसे एग्जाम्पल है, पतंजलि हैव करेंटली इट्स मेजर ऑपरेशन इन इंडिया ओनली। जो पतंजलि का प्रोडक्ट है वो केवल इंडिया में ही बिक रहा है, मतलब इंडिया के बाहर कहीं भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। देखिए, जो नेक्स्ट स्टेज है वो है आपका एक्सपोर्ट ऑपरेशन। एक्सपोर्ट ऑपरेशन का मतलब क्या है? द फर्म एक्सपेंड इट्स मार्केट बाई इंगेजिंग इन टू एक्सपोर्ट ऑपरेशन एंड ऑफरिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू अदर कंट्रीज ऑल्सो, बट रिटेन्स प्रोडक्शन फैसिलिटी विद इन डोमेस्टिक बॉर्डर। देखिए, जो फर्म है वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, इसलिए वो अपने प्रोडक्ट को बाहर एक्सपोर्ट करती है, लेकिन वो क्या करती है, उसका जो प्रोडक्शन का वर्क है, मतलब जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है उसका काम वो अपने ही देश में करती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, इंडियन फर्म एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स, जूट, स्पाइसेस, नट्स, राइस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जो इंडिया का फर्म है वो देखिए ये इन सारी चीज़ों का प्रोडक्शन तो यहीं करती है, लेकिन इन सारी चीज़ों को पूरी दुनिया में बेचती है, यानी एक्सपोर्ट कराती है। थर्ड जो आपका स्टेप है वो है आपका सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर। देखिए, सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर का क्या मतलब है? द फर्म फिजिकली मूव सम ऑफ इट्स ऑपरेशन आउट ऑफ द होम कंट्री। देयर इज़ अ म्यूचुअल कॉस्ट प्रॉफिट शेयरिंग एंड मैनेजमेंट इन सच मैथड। देखिए, जो फर्म होती है वो क्या करती है, अपने कुछ बिजनेस का पार्ट दूसरे जगह पे अपने होम कंट्री से बाहर कहीं एक्सपोर्ट कराती है। ठीक है, वो क्यों करती है? बेसिकली वो क्या करती है, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करने के लिए करती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, जॉइंट वेंचर बिटवीन मारुति इंडिया कंपनी, इंडियन कंपनी एंड सुजुकी जापानीज कंपनी। जैसे कि मारुति और सुजुकी ने क्या कर लिया, जॉइंट वेंचर कर लिया। मारुति जो है वो इंडियन कंपनी है, जो सुजुकी है वो जापानीज कंपनी है, और मारुति और सुजुकी मिलके क्या बन गया, मारुति सुजुकी बन गए। ठीक है, फोर्थ जो हमारा स्टेप है वो है मल्टीनेशनल ऑपरेशन। मल्टीनेशनल ऑपरेशन का क्या मतलब है? द फर्म बिकम्स द फुली फ्लेज मल्टीनेशनल एमएनसीज विद द असेंबली ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन सेवरल कंट्रीज एंड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। सम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग इज कॉमन, बट मेनी पर्सनल डिसीजन आर स्टिल मेड एट कॉर्पोरेट लेवल इन द हेडक्वार्टर। देखिए, मल्टीनेशनल ऑपरेशन का मतलब है वो देखिए एक्सपोर्ट तो करती है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या कि प्रोडक्शन का काम भी अपने फॉरेन में क्या करने लगी, ट्रांसफर करने लगी, जिससे कि उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होने लगा। लेकिन फिर भी ऐसे जो बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो फिर भी क्या होते हैं, उसके जो हेडक्वार्टर मतलब बिजनेस का जो हेडक्वार्टर है वहीं लिया जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है, मैकडॉनल्ड्स इज एमएनसी ऑपरेटिंग वर्ल्ड वाइड। मैकडॉनल्ड्स जो एक ऐसी एमएनसी कंपनी है जो कि क्या पूरे दुनिया में ही चल रही है। हमारा इसका लास्ट स्टेप है जो कि है ट्रांजेशनल ऑपरेशन। ट्रांजेशनल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? इन दिस द फर्म्स दैट रीच दिस पर्टिकुलर स्टेज आर ऑफन कॉल्ड ट्रांजेशनल कंपनीज बिकॉज दे अचीव बोथ ग्लोबल एफिशिएंसी एंड लोकल रिस्पॉन्सिबिलनेस। दे यूज़ ग्लोबल मार्केट एंड रिसोर्सेज फॉर देयर फंक्शनिंग। देखिए, जब कंपनी जो ये लास्ट स्टेज पे पहुंच जाती है तब हम लोग उसको ट्रांजेशनल कंपनीज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस स्टेज पे कंपनी क्या करती है, आके अपनी दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी कर लेती है, डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल एफिशिएंसी को भी। और फिर जो लास्ट स्टेप होता है इसमें वो क्या करती है, ग्लोबल की सारी चीज़ों को मतलब फॉरेन की सारी चीज़ों को लेके यूज़ करती है और अपने प्रोडक्ट को बनाती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कोका कोला और नेस्ले। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को भी नोट चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।